हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जिन के बारे में। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा था कि जिन के ऊपर एक वीडियो हो जाए, तो बस आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जिन क्या है और कैसे बनता है, जिन कितने टाइप का होता है, जिन में एक शब्द लिखा रहता है लंडन ड्राई जिन, क्या ये लंडन से ही होना चाहिए। जिन हम लोग जब ऑर्डर करते हैं तो अक्सर हम लोग टॉनिक वाटर ऑर्डर करते हैं, है ना। ये रहा पिक्चर। टॉनिक के साथ जिन का क्या कॉम्बिनेशन है? टॉनिक भी बिटर है, जिन भी बिटर है, फिर ये इतना टेस्टी क्यों लगता है और ये वर्ल्ड वाइड इतना फेमस क्यों है? क्या आप जानते हैं कि ये जो टॉनिक एंड जिन का कॉम्बिनेशन है ये इंडिया से ही शुरू हुआ था? ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बॉम्बे सफायर जिन में एक शब्द लिखा रहता है वेपर इन्फ्यूज्ड, इसका क्या मतलब है? ऐसे बहुत छोटे छोटे चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं व्हाट इज जिन एंड हाउ टू एंजॉय द जिन। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल बटन को क्लिक करें और बगल में जो घंटी है उसको भी क्लिक करें। बस सब्सक्रिप्शन हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले हम लोग जानेंगे जिन बनता कैसे है। जिन कोई भी ग्रेन से बन सकता है, कोई भी ग्रेन से, और उसको पहले फर्मेंटेड किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्टिल करके निकाला जाता है। अब जब डिस्टिलेशन होता है दोस्तों, तब उसमें कुछ बोटानिकल्स को डाला जाता है और उससे जिन बनता है। जो बोटानिकल्स होता है उसमें डोमिनेटिंग जो रहता है वो है जूनिपर बेरी। उसके अलावा भी बहुत सारा बोटानिकल्स उसमें डाला जाता है, जैसे कि ऑडिस रूट, सिंकुना बाल्क, कोरिएंडर, ऐसे बहुत सारा बोटानिकल्स है जिसको उसमें डाला जाता है और उसके बाद उसको इन्फ्यूज किया जाता है और उसके बाद बॉटलिंग होता है दोस्तों। जिन यूजुअली मैच्योर होता नहीं है, इसको सिंपली बॉटलिंग करते हैं जब भी बन जाता है और उसके बाद सेल करते हैं। हार्डली जो टैंक में रहता है वो कम से कम 2 या 3 महीना शायद टैंक में रखता होगा, मगर उसको मैच्योरेशन बोला नहीं जा सकता। अगर सीधा तरीके से समझाया जाए तो मैं बोलूँगा कि बेसिकली वो एक वोडका ही है, उसमें एक फ्लेवर डाला जाता है या बहुत सारा फ्लेवर का मिश्रण है जो है एक्चुअली जिन। और एक छोटा सा उदाहरण देंगे तो मान लीजिए जो वोडका आपका बन चुका है, सिंपल डिस्टिल स्पिरिट जो क्लियर है, उसमें क्या करता है जिन जब बनता है तब उसमें बहुत सारा बोटानिकल्स को डालते हैं और बोटानिकल्स को जब डालते हैं फिर से उसको उबालते हैं और उसको रीडिस्टिल करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जब वो बोटानिकल्स उस डिस्टिल स्पिरिट में उबालते हैं तब उसमें जो फ्लेवर है वो उस डिस्टिल स्पिरिट में ऐड होता है। अब जब ये रीडिस्टिल कंप्लीट होता है तब जाके बनता है जिन, और इसमें ज़्यादातर जो फ्लेवर मिलता है आपको वो जूनिपर बेरी का।